ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, इस ब्लॉग को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम इस ब्लॉग में उड़ीसा में कोरापुट जगह पर एक जगन्नाथ मंदिर है जो कि बहुत फेमस है। उस पूरे मंदिर, जितना भारत में मंदिर है ना, यहाँ पर सारा मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो इस ब्लॉग को अंत तक देखिएगा, आपको सारा मंदिर दिखाने की मैं कोशिश किया हूँ ताकि आप लोग को घर बैठे देख सकें। तो फाइनली अब हम जूता पहन रहे हैं, ठीक है, और निकलेंगे बहुत जल्द। तो चलिए अब हम पहन लिए जूता और गेट के पास आए, बाहर निकले और बाहर का नज़ारा देखिए। हमारे गेट के पास बहुत सारा फूल है और हम बाहर निकल गए। अब चलिए, यह देखिए हमारा गली है, ठीक है, हमारे घर के पास पहुंचने के लिए गली है। और यहाँ से हम मुड़े और फिर यहाँ से लेफ्ट। चलिए अब सीधे चलते जाएंगे। और यहाँ का माहौल जो है ना, बहुत अच्छा लगता है यार। उड़ीसा में ये बहुत अच्छा रहता है, मतलब हम बिहार से जब से आए ना, तो यहाँ पर रहने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, ठीक है। चलिए आप ब्लॉग में अंत तक बंद रहिएगा, ठीक है, बहुत सारा चीज़ आपको आज दिखाने वाले हैं। आपको तो पता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आराम से सब देखते रहिएगा, आपको सारा चीज़ हम बताते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर विज्ञान इंस्टीट्यूट मेडिकल टेक्नोलॉजी और विज्ञान इंटरनेशनल कॉलेज है, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। पीछे बहुत बड़ा है, ठीक है, नहीं तो आगे के साथ थोड़ा सा खराब बनाया हुआ है, पता नहीं क्यों, सब लोग आगे अच्छा दिखाते हैं। ये देखो गर्ल स्कूल है, इतना अच्छा बना रहा है गर्ल स्कूल ना, मतलब हमारे बिहार में तो है ही नहीं, इतना समझ लो, ठीक है। और चलो हम आ गए अब चौक पर, चौक पर। और चलिए आपको बताते हैं यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पर जो अभी दिखाए ना, ये वाला सब्जी लेने हम लोग जाते हैं वहाँ पर, सब्जी मार्केट है, बहुत अच्छा वहाँ पर मार्केट है, ठीक है। और ऐसे हम लोग जाते जाते, अब देखिए आगे आने वाला चौक है, बाबा बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं, बाबा क्या बात है। तो चलिए हम लोग फाइनली यहाँ पर चौक पर आ गए, ठीक है, चौक पर आ गए। तो यहाँ से आपको दिखाएंगे, देखिए यहाँ से आपको सामने अभी दिखाएंगे, देखिए यही मंदिर है, बहुत बड़ा है, आपको यहाँ से तो बहुत छोटा लग रहा होगा। यहाँ पर देखो मेन गेट बंद है, अभी हम पीछे से जाएंगे, वो बड़ा गेट है, ठीक है ना, आगे से फ्रंट पर है लेकिन गेट अभी बंद हो रहा है, बंद रहता है। और पीछे से जो बड़ा गेट है, जो कि फोर व्हीलर भी वहाँ से जाता है डायरेक्ट, जो मंदिर है 200 फीट रोड से ऊंचा पर है, ठीक है ना, इसके पीछे है, ठीक है ना, पहाड़ पर। तो फाइनली हम वहाँ चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को आज पूरा, बहुत सारा, मतलब वहाँ पर क्या बताएं आपको, भगवान शिव का जितना भारत में मंदिर है ना, उतना यहाँ पर है, एक ही जगह। कृष्ण भगवान का है, देवी सती, मतलब बहुत सारे लोग का है, ठीक है ना, बहुत सारा। चलिए यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ेंगे और लेफ्ट मुड़कर जैसे 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 मुड़ गए, चलो अब लेफ्ट मुड़ गए, आगे चलते हैं। माता जी बहुत फास्ट चल रही है, क्या बात है, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया इसलिए माता जी फास्ट चल रही है, हंस नहीं रहे, ठीक है ना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग लिखा दिए। चलिए तो देखिए फाइनली यही गेट है मेन, आपको उड़ी आता है पढ़ सकते हो वहाँ पर पीछे करके, ठीक है। ये देखिए अब आगे चलते हैं, देखिए जो बक्स बनाया गया है कोरोना की वजह से बनाया गया लगता है, अभी तो खाली है, अभी कोई नहीं होगा, बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग उस टाइम पर, हम आने की भी कोशिश किया नहीं तो बहुत यहाँ भीड़ होती है, बहुत। अब ये देख रहे हैं ना, यहाँ उड़ीसा के लिए गवर्नमेंट द्वारा ये लाइब्रेरी बनाया गया, बहुत मस्त है यार, बहुत मतलब बहुत अच्छा है, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर इतना सुविधा दिया गया है ना, हमारे बिहार में समझो कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं सरकार देती है, लेकिन यहाँ पर खेल कूद हर चीज़, मतलब यहाँ पर आपको सुविधा है बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए। चलिए हम आप पहाड़ पर चढ़ते जा रहे हैं, पैर तो दर्द कर रहा ही है, ठीक है ना, पैर दर्द कर रहा है, बट चलना है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि पूरा पहाड़ है, नहीं, धीरे 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 करके ऊंचाई पर है, ठीक है ना। सामने देखिए, सामने अब देखिए यहाँ पर, इधर उधर चल जाएगा, यहाँ पर लोग अपना चप्पल जूता खोल रहे हैं और हमारा फाइनल जूता यहाँ पर, हम भी थोड़ा सा हट करके रखें, यहाँ तो ऐसे उड़ीसा में कोई चोरी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा बगल में रखें, बगल में क्या वहीं पर रखें, लेकिन थोड़ा ढंग से उसको रखें, ठीक है, ताकि चोरी ना हो जाए, ऐसे चोरी नहीं होता यहाँ पर उड़ीसा में, ईमानदार लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, हम लोग बिहार यूपी से। इधर देखिए अब यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, ठीक है, ऊपर जाएंगे, ऊपर में देखिए अब सीढ़ी पर हम चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वीडियो थोड़ा फास्ट किया गया है, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता।
चलिए फाइनली हम धीरे धीरे चढ़ करके यहाँ तक आए और यहाँ से फिर चढ़ करके आगे जाएंगे, क्योंकि मेन मंदिर वहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए 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 फाइनली फाइनली हम चढ़ने वाले हैं। देखिए बाबा लोग बैठे हैं वहाँ पे, वही मेन मंदिर है, देखना अंदर भी दिखाएंगे बट देखो। लेकिन जानते हो क्या हुआ, यहाँ पर बाबा लोग अंदर वीडियो बनाने से मना कर दिए, क्योंकि बोले कि कैमरा लगा हुआ है, अलाउ नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि बाहर से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली देखो यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, ठीक है, आराम से देखो देखो देखो, यही मेन मंदिर है। इसमें और सारा अंदर बहुत बढ़िया, मतलब अंदर मतलब कैमरा बंद कर गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा है। आपको तो नहीं दिखा पाया लेकिन बाहर से दिखा रहे हैं आपको, तो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है, ठीक है ना। कभी यहाँ पर जरूर आना, ठीक है ना, आना उड़ीसा में तो मेरे को बताना, ठीक है, आप सब जरूर मिलेंगे। तो यहाँ देखो वही है, अंदर बहुत अच्छा लग रहा था यार, लेकिन आप लोग को नहीं दिखा पाए, बोले कि वो लोग नहीं बना सकते वीडियो, तो हमने नहीं बनाया, क्योंकि उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा लोग ना रिस्पेक्ट करना चाहिए। चलिए यहाँ पर दिखा दिया, आप थोड़ा सा हट करके मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं कैसा लगता है, आइए यहाँ से देखिए तो कैसा लगता है, देखिए आराम से देखिए देखिए देखिए। वीडियो में थोड़ा उतना अच्छा नहीं आ रहा है, कैमरा रहता तो फ़ोन से बनाया, कैमरा रहता तो और ज़बरदस्त आता, लेकिन तभी भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत इतना शांति है ना, मतलब जब कुछ करने का ना मन हो ना तो वहाँ पर चला जाओ। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ से मतलब 1 किलोमीटर दूरी पर है, तो हम तो कभी कल जाते रहते हैं, फिर हमने सोचा क्यों ना आपको दिखा दिया जाए, ठीक है। देखो अब आपको चलो सब जितना मंदिर है धीरे धीरे करके दिखाते हैं, बहुत सारा मंदिर है, ठीक है ना, वीडियो तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा, ठीक है, लेकिन फास्ट करके आपको दिखाएंगे कि जल्द से जल्द सब आप लोग देख लें, ठीक है। यहाँ पर लोग बैठने के लिए बनाया गया है, मतलब आप जाकर वहाँ पर रिलैक्स फील कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगता है बैठ करके। तो देखिए यहाँ पर नीचे पार्किंग बनाया गया है, बहुत अच्छा लगता है यार यहाँ पर, बहुत समझ गए, सुकून मिलता है। अब फाइनली आपको जितना भी मंदिर है, देवी देवता है, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, शायद ये कृष्ण भगवान है, ठीक है। चलो मेरे को तो पता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उड़िया में लिखा रहता है तो हमें पता नहीं रहता है, उड़िया पढ़ने नहीं रहता है, अभी हम सीख रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए फाइनली यहाँ पर आ गए, अब आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है ना। अब नाम तो पता नहीं है, कभी जाएंगे तो बाबा लोग से साथ में लेकर के ब्लॉग बनाएंगे ना, तो आप लोग को नाम भी बता देंगे, ठीक है, आज लेकिन इतना ही। देखिए आप लोग देखिए देखिए देखिए, कहीं कहीं लाइट अच्छा है, कहीं कहीं लाइट नहीं है, तो वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, ठीक है, बट देखिए देखिए देखते चलिए, ठीक है, आप लोगों के साथ हम भी हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो। देखो नाम पता नहीं है, नाम ऊपर लिखा हुआ है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बहुत कम लिखा हुआ है, ठीक ना। देखो यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ था तो हमने आपको दिखाया, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, जहाँ जहाँ हिंदी लिखा था ना इंग्लिश आपको दिखाने का हमने कोशिश किया हूँ, ताकि आप लोग देख सके, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया गया उड़िया, ठीक ना। चलिए फाइनली हम लोग अब यहाँ ख़त्म हो गया, अभी बहुत सारा मंदिर है, अभी तो इतना ट्रीजर है, ठीक है ना, अभी बहुत सारा है ना, ये बहुत सारा दिखाएंगे आप लोगों को, ये तो अभी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मंदिर है ना, अभी अंदर जाएंगे तो जितना भगवान शिव का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर पूरा भारत में है ना, टोटल एक ही जगह पर है, ठीक है, सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर अभी अंदर जाएंगे, अभी गुफा में, ठीक है ना, गुफा में जाएंगे तो सारा चीज़ हम दिखाएंगे, ठीक है, सारा चीज़ आप लोग देखिएगा, आपको सभी चीज़ दिखाएंगे। देखिए ये देखिए, देख रहे हो ना, मतलब यार ये बात है, उड़ीसा में मंदिर का बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग तो बिहार में उतना मंदिर बनाने भी नहीं है, भी नहीं उतना लोग बनाते भी नहीं है, सब अपना धन पैसा कमा कर घर में रखना चाहते हैं। अब ये देखो यहाँ से नज़ारा, आपको यहाँ से मैं दिखाऊंगा कि मेरा घर किधर है यहाँ से, ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ से पहाड़ पर मेरा घर है, ठीक है ना, देखना यहाँ से दिख रहे हो ना वहाँ पे वो बादल, अभी जूम करके दिखाएंगे आपको, ठीक है, देखो जूम करेंगे, देखना वहाँ पे जो जूम दिख रहा है ना सामने कोना में, पहाड़ पर मेरा घर है, सभी लोग का यहाँ पर पहाड़ पर ही है, ठीक ना, जो कोरापुट है पूरा पहाड़ पर ही है पूरा, ठीक है ना। यहाँ देखो
यहाँ से फिर से आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। अब हम चलेंगे नीचे, ठीक है, नीचे से भी आपको बहुत सारा चीज़ दिखाएंगे अभी। चलिए फाइनली अब हम चल दिए नीचे, अभी नीचे बहुत सारा मंदिर दिखाना है आप लोगों को। चलिए हम चल दिए नीचे, फाइनली नीचे जाकर के अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। शिव भगवान का जितना लिंग है ना, उतना पूरा मतलब भारत में जितना है सारा आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है यार, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त। कभी आना तो मेरे को बताना, ठीक है ना, कभी आप लोग रिलेशन या कुछ भी हो तो आप मेरे को बताना, ठीक है ना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप सब जरूर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ठीक है ना। यहाँ देखो स्टार्ट होता है यहाँ से, अब देखते चले जाओ, बहुत सारा है, अब देखते जाओ भाई, देखते जाओ, एक नहीं है, अब देखते जाओ, सैकड़ों में है, सैकड़ों, समझ गए ना, सैकड़ा मतलब 100 से भी ज़्यादा है। देखते चले जाओ आप लोग, देखते चला जाओ। यहाँ मेन मंदिर मतलब इनका है, ठीक ना, यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब पूजा पाठ का ये सब स्थान है। और इस साइड का राइट का आप देखिए, उधर लेफ्ट का देखिए ना, अब राइट तरफ का देखिए, दोनों तरफ में है, ठीक है, तो अब लेफ्ट भी देख लीजिए, नहीं राइट अब देखिए, लेफ्ट तो देख लीजिए, राइट देखिए, राइट भी उनका ही है, ठीक है, सब उनका ही है, महाकाल का, ठीक है, देखते चले जाओ। कभी जाएंगे वीडियो बनाएंगे ना, सबका नाम बताएंगे आप लोगों को, बाबा लोग के साथ साथ में उन लोग लेकर के बाबा से नाम पूछते जाएंगे और सबका नाम बताएंगे, ओके। हमें भी कुछ पता नहीं है, यहाँ पर सब लिखा हुआ था लेकिन इतना पढ़ने का भी हमारे पास टाइम नहीं था यार, ठीक है। देखो आप पढ़ सकते हो, वीडियो रोक करके हम पढ़ पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं, हम एक बार पढ़ेंगे जरूर इसको, वीडियो रोक रोक करके अभी पढ़कर देख लो कि भारतीय दर्शन, नास्तिक दर्शन, लोकायत दर्शन, बौद्ध दर्शन, मतलब बहुत सारा है, ठीक है। आदर्श परोपकारी भक्तराज को संत पुरुष बीरबल महाराज रघु, बहुत सारा देखो आप पढ़ सकते हो। ये सब आचार्य जो लोग हैं ऊपर देख सकते हो, और यहाँ देवी लोग का सती सावित्री देवी द्रौपदी, अरे यार बहुत लोग हैं यहाँ पे, बहुत लोग का। अभी तो इतना हुआ ना, अभी आप लोग इतना मंदिर आपने देखा, अब चलो अब चलते हैं कृष्ण भगवान की तरफ, मुख्य देवता देवराजेंद्र। अब फाइनली यहाँ से पूरा हमारे यहाँ से दिखा दिया आपको, एक बार फिर से देख लीजिए, पूरा गुफा में है सब लोग, ठीक है। फाइनली यहाँ से बाहर निकल करके चलते हैं इधर, इधर चलते हैं जहाँ कृष्ण भगवान का पूरा जितना ऑल इंडिया में मंदिर है, उनका नाम है अलग अलग, सब लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, कृष्ण भगवान का जो अवतार है पूरा। चलो इस गुफा में हम जाएंगे, यानी सामने वहाँ देखो, उधर उधर उधर, हाँ इधर उधर, इसी गुफा में जाना है, ठीक है। अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, जुगे जगन्नाथ मंदिर, ऐसे उनका पूरा फुल नाम मंदिर का जो है ना, जगन्नाथ मंदिर बोलते हैं ऐसे लोग, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर घूमने जाना ऐसे लोग बोलते हैं ना, मेन जगन्नाथ मंदिर से प्रसिद्ध है। चलिए जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर में देखो कृष्ण भगवान का जितना अवतार है उनका छः अवतार का है ना, बहुत सारा अवतार, सारा अवतार का यहाँ पर मूर्ति है, ठीक है, आप देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ भाई साहब, देखते जाओ। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी सब लोग देख रहे हैं तो बोरिंग हो जाएंगे आप लोग, ठीक है, देखते जाइए। लेफ्ट राइट की तरफ, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, राइट देखो, पूरा गुफा के अंदर पूरा मंदिर है, ठीक है ना, सब भगवान कृष्ण का अवतार,
देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, अब इंड होने वाला है। ऐसे हम फास्ट वीडियो नहीं करते ना तो बहुत देर लग जाता आपको देखने में, इतना ही ठीक है ना। लेकिन वीडियो को फास्ट करके आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। देखते चलिए, अब कच्चा पौधा लिखा, जहाँ जहाँ हिंदी आपको दिखाने का मैं कोशिश किया हूँ, हिंदी बहुत कम लिखा हुआ रहता है, सबसे ज़्यादा उड़िया लिखा रहता है, ठीक है। अब यहाँ से द इंड हुआ, अब हम बाहर निकलते हैं। भाई साहब हमारे से अंकल पूछ रहे थे कि रास्ता कैसे है, हमें तो पता नहीं था यार, हम तो अभी न्यू है यहाँ पे, बट उनसे बार बार हमसे पूछ रहे थे उड़िया में, उड़िया हमें आता नहीं है, हमें तो हिंदी आता है, लेकिन उड़िया सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो फिर हमको बोले कि अंकल हिंदी में बोलो, फिर उन्होंने हिंदी में बोला, तो फिर उनको बताया कि हाँ नीचे भी मंदिर है, तो वो भी शायद आएंगे शायद घूमने के लिए। अब यहाँ आ जाओ इसमें, तो फाइनली हम इसमें आ गए। अब यहाँ देखते जाओ, यहाँ थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम था यार, लाइट बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। अब देख सकते हो लाइट के यहाँ प्रॉब्लम था, लाइट था नहीं, अंधेरा अंधेरा था, पूरा गुफा है, अंदर लाइट जल नहीं रही थी, तो कोई भी आपको मूर्ति दिखाई नहीं दे रहा होगा, देख सकते हैं आप भी नहीं दे रहा है, लेकिन उस सब जो जो गेट दिखाई दे रहा है ना उसमें सारा मंदिर है, ठीक है, मूर्ति रखा हुआ है। यहाँ देखो बरगद है, बरगद का पेड़ है बहुत, मतलब ऐसे कुछ है, मेरे दोस्त बता रहे थे कि मतलब 1000 साल से भी ये भव है, ठीक है ना, ज़्यादा, और इतना सुंदर है, इतना उसका पत्ती मतलब डाल इतना सुंदर सुंदर है ना, उसको नज़दीक से देखने पर और मतलब बेहतर लग रहा था, इतना सुंदर कि मतलब क्या बताएं, इतना अच्छा आज तक हम बरगद का पेड़ ही नहीं देखे थे, समझ गए। देखिए अब फाइनली वहाँ से हम चल दिए, इधर राइट का दिखा दिए, लेफ्ट देख लीजिए, राइट देख लीजिए, क्योंकि लाइट तो है नहीं कि आपको मूर्तियाँ दिखाई देगी, समझ गए, कोई बात नहीं, आप देखते चलिए, ठीक है, सारा चीज़ आपको देखते हुए चलना है, ठीक है, आप देखते रहिए, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा। अब यहाँ से देखिए पूरा जंगल है, इधर है ना, सब जंगल है, ये पूरा जंगल है, ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, नीचे का 200 या 100 मीटर मेरे को पता नहीं है, बट बहुत मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन 100 मीटर या 100 फीट से, 100 मीटर फीट में बहुत अंतर हो जाएगा, लेकिन 100 मीटर से बहुत मतलब क्या बोलते हैं, नीचे ऊपर ही होगा ये पहाड़, ठीक ना, मतलब रोड से 100 मीटर ऊपर ही होगा, ऊंचा ऊपर दिखाने पर बहुत मतलब डरावना टाइप का लगता है, ठीक है। फाइनली हम सब कुछ देख लिए, अब हम सोच रहे हैं कि अकेले हैं, कोई दोस्त तो आया नहीं था साथ में, क्योंकि इस टाइम पर कोई आता नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं, और हमें वीडियो बनाना कर दिखाना था आप लोगों को, तो मैं अकेले आया, ठीक है। तो अब हम समाप्त करते हैं यहीं पर वीडियो, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है, यही था यहाँ का नज़ारा, और देखिए और नीचे का वहाँ लोग बैठे हैं, अब यहाँ पर अपना जूता पहनेंगे, यहाँ पर अलग से रखे हैं, और यहाँ पर हमने जूता पहना, और देखिए अब हम चल दिए, बाय बाय बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।